हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। सो दिस इज़ सेकंड वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन क्लास, जिसमें हम कम्युनिकेशन के यूनिट सेकंड को कवर करने वाले हैं, जिसमें लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको क्लास से कोई भी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं इंट्रोडक्शन। अब लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन की बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन है, और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो कि कम्युनिकेशन को लेकर है। अब जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो एनिमल कम्युनिकेशन से काफ़ी अलग है, क्योंकि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव रूप से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर, पोस्चर, इन सभी का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं। सो हमारे पास क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जो कि एक एनिमल्स कम्युनिकेशन में इस तरीके की जो भी फीचर्स है वो अवेलेबल नहीं होता है। इसके साथ में ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को वर्बल या नॉन वर्बल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्बल में क्या है, मौखिक रूप से, और नॉन वर्बल में हम एक्सप्रेशन के थ्रू या गेस्चर पोस्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन की क्लास में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या करता है, सेवन सी जो है इसका कम्युनिकेशन का एक फीचर्स है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। तो इसके बारे में हम आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल, सोशल और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, और जो बैरियर्स है जो कि कम्युनिकेशन में आते हैं, और जो बैरियर्स हैं उनको दूर करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन क्या होता है। अब लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस रूप में किया गया है, किस तरीके का उसका जो टाइप्स है वो कहलाता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, फिर है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल और मास कम्युनिकेशन। ये सारे जो है लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन है, इन सभी के बारे में वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब भी क्या करते हैं हम ह्यूमन बींग से बात ना करके किसी हम पेट या एनिमल के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, या उनको हम अपना प्यार शो करते हैं, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप खुद से ही बातचीत करते हो, जैसे कि अगर आप अपने आप से कोई बातचीत करते हो या कुछ थिंकिंग सोचते हो, तो वो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो वो कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब जब आप अपने वर्क प्लेस पे इनफॉर्मल या फॉर्मल रूप से जब आप बातचीत करते हो, अपने आइडियाज़ को, थॉट को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो उस तरीके का जो भी कम्युनिकेशन है वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप ऑडियो, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सभी का यूज़ करके जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। तो ये सारे कम्युनिकेशन के लेवल थे, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप किसी भी एनिमल्स के साथ में या अपने पेट के साथ में जब आप लव या प्यार शो करते हो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप खुद से ही बातचीत करते हो किसी डिसीजन के लिए, या कुछ भी बात जब आप खुद से ही शेयर करते हो, मन ही मन बात करते हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत करते हो, जैसे आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ में जब आप बातचीत करते हो, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप अपने वर्क प्लेस पर अपने सीनियर के साथ या अपने जूनियर के साथ जिस भी फॉर्म में आप कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, वह कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल। मास कम्युनिकेशन में सारे मीडिया आ जाते हैं, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ये सारे जो एक इंक्लूड होकर जब कम्युनिकेट करता है या इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, डिले करता है, दैट कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का देखते हैं कि कम्युनिकेशन किस किस तरह का होता है। फर्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल, देन ओरल एंड रिटन।
सो इनको हम रीड करते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन है और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें डिफरेंट क्या है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है। अब ओरल का मतलब है जब आप बोल के या मौखिक रूप से जब आप बातचीत करते हो, रिटन का मतलब जो आप लेटर के थ्रू या लिख के जब आप कम्युनिकेट करते हो या बातचीत करते हो तो उसको कहते हैं ओरल या रिटन कम्युनिकेशन, और इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका ना तो रिटन इंक्लूड है ना आपका ओरल इंक्लूड है, मीन्स इसमें आपके गेस्चर, पोस्चर या ड्रेसिंग सेंस हो गया आपका, या आपका जो एक्सप्रेशन है या आप अपने फेस के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप कोई भी बातचीत कहना चाहते हो तो दैट जो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ से खुश हो तो आपके फेस पर एक खुशी रहेगा, अगर आप किसी चीज़ से दुखी हो तो आपके फेस पर एक सैडनेस शो करेगा, जो कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन हमें देख के बोल देता है कि तुम किस बात के लिए दुखी हो या किस बात से तुम खुश हो। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, ये बात को समझ लिया जाता है, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें यही सब है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके रिटर्न वर्बल हो गया, इनको इंक्लूड किया जाता है। इसमें दो टाइप्स के हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल में आपका स्पीच हो गया, रिटर्न में आपका जो भी राइटिंग के फॉर्म में हो जाएगा वो कहलाएगा आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। सो ये इसके मीडियम थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बॉडी लैंग्वेजेस का यूज़ करके नॉन वर्बल तरीके से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ इंक्लूड होता है, जैसे काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनिमिक्स, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेजेस, साइलेंस एंड साइन लैंग्वेजेस। अब इन सभी को हम वन बाय वन रीड करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, और जो कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट कह लो, जो ये यूनिट टू ही है, तो इस वाले यूनिट को आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। और आगे देखते हैं काइनेसिक्स क्या होता है। काइनेसिक्स जो है ये आपका बॉडी फिजिकल मूवमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने बॉडी के थ्रू कोई भी साइन जब आप शो करते हो तो वो कहलाता है काइनेसिक्स। जैसे कि इसमें पर्सनल अपीयरेंस हो गया, जैसे आपका इम्प्रेशन है, ये काफ़ी जो बोलते हैं ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है आपके लास्ट इम्प्रेशन को बनाए रखने के लिए। अब जैसे आपका अपीयरेंस आ गया, इसमें आपका क्लोथ हो गया, हेयर हो गया, और आपका ड्रेस सेंस क्या है या आपका कॉस्मेटिक, ये सारा जो रिप्रेजेंट करता है आपके व्यक्तित्व के रूप में, वो कहलाता है पर्सनल अपीयरेंस। नेक्स्ट है पोस्चर। अब देखो, बैठने उठने, जो हमारा सीटिंग पोजीशन होता है, ये भी क्या है, हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप अगर एक इंटरव्यू में बैठे हो तो आपका एक जो पोजीशन है वो काफ़ी डिपेंड कर जाता है कि आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो किस तरीके का, स्ट्रेट है या आप नॉर्मल बैठे हो। तो ये सारा क्या है कि आपका एक ना कहते हुए भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कह देता है, तो वो क्या कहलाता है, पोस्चर के अंदर आ जाते हैं। गेस्चर सेम ऐसा ही है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने हेड का या अपने फेस का या अपने हैंड का यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। जैसे अगर आपको ना कहना हो तो आप मुंह से ना बोल के हाथ से कह देते हो कि नहीं, या आप अपने हेड को हाँ या ना में बता के कर सकते हो, फेस से आप हाँ या ना में बता सकते हो। तो सारा क्या है कि आप जब आप गेस्चर का यूज़ करके जब आप कोई भी कम्युनिकेट करते हो या कोई भी बातचीत कह देते हो तो वो कहलाता है गेस्चर पोजिशन। और ये सारा किसमें इंक्लूड है, नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन है। वर्बल में तो वो चीज़ आ जाती है जो कि आप मौखिक रूप से कहते हो या रिटर्न रूप से, लेकिन नॉन वर्बल में ये सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, फेसियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट। अब आप क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी छोटे बच्चों को आई के थ्रू ही डरा देते हैं या आई के थ्रू ही उसको कई तरह के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो कहलाता है आई कॉन्टैक्ट। अब वर्क प्लेस पर आई कॉन्टैक्ट काफ़ी डिपेंड कर जाता है, जहाँ पे एक आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आदमी देख लेता है या पहचान लेता है कि कितना कॉन्फिडेंसफुल है आदमी पर्सन या नहीं। तो ये सारा क्या है कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। फिर अब प्रॉक्सिमिक्स। अब प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है जब कोई सेंडर है या कोई रिसीवर, उनके बीच में कितना स्पेस है। अब स्पेस का मतलब ये दूरी वाला स्पेस नहीं है, स्पेस का मतलब है कि जैसे कि उनके बीच में किस तरीके का बातचीत हो रहा है, फॉर्मल बातें कर रहे हैं, इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, या किस तरीके के फॉर्म में बातें कर रहे हैं, कितना उनके बीच में स्पेस है, कैसी बातें वे कर सकते हैं, तो ये सारा केस में प्रॉक्सिमिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है इंटीमेट। इसमें क्या है, जैसे कि अब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, या लवर्स हो गए या रिलेटिव हो गए, पेरेंट्स हो गए, सारे क्या करते हैं इस जोन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं वे आपस में इनफॉर्मल रूप से या हग करके या बैक किसी भी तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं।
पर्सनल का मतलब है कि जब आपके कोई भी क्लोज फ्रेंड है, कोलिग्स हो गया या पीयर्स हो गया, कम्युनिकेट करते हैं, इस जोन के अंदर आ जाते हैं पर्सनल में। नेक्स्ट है सोशल। अब सामाजिक रूप से क्या है, सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। वो फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से, ऑफिशियल रूप से आपस में बातचीत करते हैं। पब्लिक प्लेस में सभी पर्सन आ जाते हैं, जिसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, ये क्या करते हैं पब्लिक ही रूप से कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको आम जनता तक पहुँचाते हैं। तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी पीएम अगर अपनी बातों को बताना चाहते हैं तो वो स्पीच के थ्रू बताएंगे, जिसका ऑल ओवर इंडिया में उसको संचालित किया जाएगा। तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो पब्लिक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है क्रोनिमिक्स। अब क्रोनिमिक्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी बातचीत है उसके बीच में कितना टाइम लगता है, जो स्टडी है, जो कम्युनिकेशन का जो स्टडी ऑफ टाइम है उसको कहते हैं हम क्रोनिमिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, जब आप अपने हाथ का यूज़ करके जब आप किसी तरीके का कम्युनिकेट करते हैं वो कहलाता है हैप्टिक्स लैंग्वेज ऑफ टच। अब जैसे अगर आप किसी से मिलते हो तो आप हेलो करते हो या हाई करते हो या हग करते हो या स्लैप करते हो, तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो हैप्टिक्स कहलाता है। अब जैसे कि अगर आप किसी से मिलते हो तो आप जस्ट हेलो करते हो, ओके। अब हेलो करने से ही आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो आपके बारे में बहुत कुछ कह रहा है कि आप उस आदमी से मिलके खुश हुए या दुखी हुए, आपने हेलो किया, आपने हग किया, ये सारा क्या है, आपके कम्युनिकेट को शो करता है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, हैप्टिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेजेस। अब पैरा लैंग्वेजेस क्या होता है, ये एक मीनिंग होता है जो कि बताता है कि जब स्पीकिंग के दौरान जब आप बहुत सारी चीज़ों को कन्वे करते हो मीनिंगफुल में, तो पैरा लैंग्वेजेस में आ जाता है। जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो, आपका वॉल्यूम कितना स्पीड से जा रहा है, कितना धीरे से जा रहा है, या आप बातों को किस फॉर्म में रख रहे हो, किस वे में रख रहे हो, ये आपका पैरा लैंग्वेजेस में आ जाता है। जैसे कि इसमें वॉल्यूम वेरिएशन आ गया, जो कम्युनिकेशन के दौरान आपका वॉल्यूम कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, आपकी बोलने की जो स्पीड है वो कैसी होती है। जैसे मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो, या अगली वीडियो में मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अब जैसे कि फिर उसके बाद में वर्ड स्ट्रेस हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, नॉन इन्फ्लुएंसेस हो गया। अब जैसे कि एक बार इन्फ्लुएंसेस देख लेते हैं, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने साउंड को काफ़ी छोटे छोटे बिट्स में जब आप बोलते हो उसको कहलाता है इन्फ्लेशन। जस्ट लाइक जैसे आप देखोगे बहुत सारे सामाजिक रूप से जो आपका बहुत सारी जगह, जैसे कि रेलवे स्टेशन या मेट्रो, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं काफ़ी स्लो में देते हैं, तो क्या है वो इन्फ्लेक्शन है। नॉन इन्फ्लेक्शन में जैसे हम बोल ना करके या हम इस तरीके का जब हम कोई भी बात करते हैं तो वो कहलाता है नॉन इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि ये सारा जो है कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेजेस। अब साइन लैंग्वेजेस क्या होता है, साइन लैंग्वेजेस का होता है जिसमें आप मौखिक रूप से बात ना करके किसी एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप कोई भी बात बोल देते हो वो कहलाता है साइन लैंग्वेजेस। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि ऑडियो साइन हो गया, विजुअल साइन हो गया, ऑडियो विजुअल साइन हो गया, सारे इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी कम्युनिकेशन है जब वो औपचारिक रूप से जाता है, मतलब कि जब आप कोई भी एक्स्ट्रा या फालतू चीज़ें इंक्लूड ना करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक आवर वीडियोज़, जिसमें हम सीधे डायरेक्टली रूप से ओनली पढ़ाई के बारे में बात करें, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ों के, तो वो क्या हमारा फॉर्मल वीडियो है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स जब आपका कोई भी प्लानिंग नहीं है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं, आप सीधे रूप से बस कह देते हो, वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि शादी में बहुत सारे लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है इनफॉर्मल, या फैमिली या फ्रेंड के साथ में होने वाला कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन एक वर्क प्लेस पे जो भी बातचीत होता है वो काफ़ी फॉर्मल रूप से होता है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस वे में जा रहा है, किस फ्लो में जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या बराबरी रूप से जा रहा है। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके का कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है। अब अपवर्ड क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी में तीन लेवल है, जिसमें
टॉप लेवल पे मैनेजर या जितने भी टॉप लेवल के जो अधिकारी है वो इंक्लूड होगा, मिडिल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर है या जो भी मिडिल फैम है जो कि क्या करते हैं टॉप लेवल की बातों को नीचे अधिकारी तक पहुँचाते हैं। जो थर्ड लेवल है जिसमें काफ़ी वर्कर को इंक्लूड किया जाता है वो सारा तीन लेवल को बनाता है। तो जो भी कम्युनिकेशन है अगर वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स एक वर्कर से लेके एक टॉप लेवल मैनेजर तक अगर कोई भी बात जाता है तो वो कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसी का अगर आप अपोजिट देखें, अगर कोई मैनेजर को किसी वर्कर को कोई बात कहना है तो वो जो कम्युनिकेशन को मिडिल लोग के किसी भी मैनेजर को बताएगा और मिडिल वाला जो है वो लो लेवल के अधिकारी को देगा। तो जो ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे की ओर जा रहा है एक संस्था में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये क्या है कि एक वर्क प्लेस पर इस तरीके का एक चेन बना रहता है। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक सेम पोजीशन या सेम जो लेवल है वहाँ के जो पर्सन जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे किसी वर्क प्लेस पे अगर दो वर्कर आपस में बातचीत कर रहे हैं या दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं या दो अलग अलग जैसे कि एक वित्त अधिकारी हो गया या एक प्रबंधक अधिकारी हो गया, जब वो सेम लेवल के आदमी जब आपस में बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी कम्युनिकेशन है जो उसका फ्लो है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। मींस अगर एक वर्कर है वो टॉप लेवल वाले मैनेजर से भी बात कर रहा है, एक मिडिल वाले से भी बात कर रहा है, एक दूसरे वर्कर से भी बात कर रहा है, उसका कोई भी फ्लो जो है वो एक लाइन में नहीं जा रहा है, वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है इसका तो बहुत बड़ा ही वास्ट एरिया है जिसमें क्या है बहुत सारा नेटवर्क आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है आइडियाज़ है शेयर है नीचे से ऊपर की ओर जाता है और डाउनवर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सारा इंक्लूड होता है जो चैन बनता जाता है इसको कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसको देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वर्टिकल डायगोनल हॉरिजॉन्टल ये सारा जो फॉर्म है जिसमें चैन बनता जाएगा वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब इसमें पहले है फॉर्मल जिसमें फर्स्ट है चैन नेटवर्क। अब चैन नेटवर्क क्या है? इन चैन नेटवर्क द मेंबर ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेट थ्रू इंटर डायरीज हु रियली द मैसेज ऑन द टॉप। इसमें क्या होगा जो मैसेज है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा जैसे चैन होता है बिल्कुल सेम उसी फॉर्म में जाएगा। वाई नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो वाई के फॉर्म में जाएगा। व्हील नेटवर्क में जैसे व्हील एक चक्के को या एक पहिए को कहते हैं जो कि राउंड होता है, सेम उसी तरीके का जब कम्युनिकेशन गोल आकार में विभिन्न लोगों तक जब जाता रहता है तो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो व्हील नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट है सर्कल नेटवर्क जो कि सेम ऐसे ही गोलाकार में जाता है। और ऑल चैनल नेटवर्क का मतलब है जिसमें बहुत सारे चैनल का कोई फिक्स नहीं होता जो कि हर डायरेक्शन में जाता है। अब सभी को देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। जैसे चैन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सर्कल में गोल जा रहा है, जैसे जो ए पर्सन है ये बी को बोलेगा, बी जो है वो सी को बोलेगा, सी डी को और डी ई को, इस तरीके से इनका सर्कल बनता जाएगा गोलाकार में। और जो व्हील है इसमें देखो चक्के की तरह ए जो है वो क्या करेगा बी से भी बातचीत कर सकता है, ए जो है वो सी से भी बातचीत कर सकता है, ए जो है वो डी से भी और ई से भी कर सकते हैं। ए इनका बीच में माध्यम बना हुआ है जो कि क्या करेगा सी के बात को डी तक पहुंचा सकता है, बी के बात को ई तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये जितने भी पर्सन है ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे ए के थ्रू बातचीत करेंगे। लेकिन जो ये चैन है जो चैन कम्युनिकेशन है इसमें क्या करेगा ए पर्सन बी से, बी सी से, सी डी से, इसको हम अपवर्ड भी बोल सकते हैं डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन या आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन जो है जाएगा। सर्कल में जो ए पर्सन है वो बी से, बी सी से, सी जो है वो डी से, ई से, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे की हेल्प से बात करेंगे। वाई पैटर्न जो है सेम ऐसे ही है, देखो ए जो पर्सन है वो बी से कम्युनिकेट करेगा, बी जो है वो सी से करेगा, सेम ऐसे ही जो ए है वो ई से भी कम्युनिकेट करेगा एंड डी से भी करेगा। लेकिन ये जो आपस में ये कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये ए की हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे। अब ये जो ऑल चैनल है इसमें कोई किसी से भी बातचीत कर सकता है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है या ऐसा कोई रोक नहीं है कि कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा। ई जो है वो ए से, बी से, सी से, डी से, किसी से भी बातचीत कर सकता है। इसी तरीके से जितने भी पर्सन है यहाँ पर वो सभी आपस में बातचीत कर सकते हैं, कोई भी बैरियर या कोई भी रोक
रोकनी है, जबकि इन सभी में कोई ना कोई लिमिट लगा हुआ कि कोई पर्सन इससे नहीं कर सकता। जैसे ई जो है ये सी से बात नहीं कर सकता, सी जो है वो डी से नहीं कर सकता, सेम जो सी है ये इस डी से नहीं कर सकता, तो इस तरीके का कोई ना कोई इनमें रोक है। लेकिन जो ऑल चैनल है इसमें कोई भी किसी से कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन। अब ग्रेपवाइन जैसे कि हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि अंगूरी गुच्छा। अब अंगूर कैसा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर लगे रहते हैं, लच्छे बने रहते हैं, जिसमें क्या सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं। सेम वैसे जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है इसमें इसी तरीके का रहते हैं। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड, जिसमें क्या है कि क्या है कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट में जाएगा। जैसे ए है ये बी से, बी सी से, सी डी से, और जो डी है किसी और पर्सन से बातचीत कर सकता है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी किसी से कर सकता है कि एक तरह से मान लो जितने भी पर्सन है ये सारे अलग अलग जगह पर या अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो जिसमें से कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है, कहीं से भी जिसको जहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना हो या इंफॉर्मेशन देना वो कहीं भी दे सकता है। अब जो क्लस्टर है इसमें क्या है, जो ए है वो सी और डी से कर सकता है और एफ से कर सकता है, एफ जो है वो आई से और एच से कर सकता है, सॉरी बी से कर सकता है, और जो बी है वो जे से कर सकता है। तो कोई किसी से कर सकता है, सबसे नहीं कर सकते एक दूसरे से। और ये जो गॉसिप है, अब गॉसिप देख लो, जैसे फैमिली में अगर एक पर्सन बोल रहा है तो सारे सुनेंगे, ऐसे सारे पर्सन कोई किसी को कोई भी बात कह सकता है। तो सारे जो क्या है कि कोई किसी से भी कोई भी बात कह सकता है। अब इसको देख लेते एक बार थ्योरेटिकल रूप से किस तरीके से। जो सिंगल स्ट्रैंड चैन है इसमें क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो ए से बी के पास होगा, बी से सी के पास होगा, और इसी तरीके से बाकी होंगे। तो ये सारा क्या जो इन्फॉर्मेशन है इसको काफ़ी वेरिफिकेशन के थ्रू या लिटिल चांस होता है इनमें, जो बातचीत का जो भी तरीका है इसमें वेरिफिकेशन का जो एक सोर्स है वो लिमिट हो जाता है। कि बातें इसमें क्या होता है कि बातें जो है वो काफ़ी इनफॉर्मल रूप से या कह लो कि गलत वे में भी जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है गॉसिप चैन, जिसमें क्या करेगा, ए सेंड करेगा सिर्फ एक साथ ही सारे को, ग्रुप में जितने भी पर्सन हैं सभी को एक साथ ही सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, गॉसिप में ए जो पर्सन है वो कोई भी बात सभी को कह सकता है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, ए सेंड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को रैंडमली, मतलब बिना किसी प्लानिंग के आप किसी को भी सीधा कह सकते हैं। जैसे कि इसमें आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी में कोई किसी को कह सकता है, कोई भी रोक या कोई भी बैरियर नहीं लगा हुआ है। क्लस्टर चैन में क्या करेगा, ए अपने इन्फॉर्मेशन को बी से कहेगा, बी सी से कहेगा, इस तरीके से इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो चलता रहेगा। और क्लस्टर चेन का नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो क्लस्टर अर्थशास्त्री है इन्होंने इस तरीके का जो कम्युनिकेशन का जो चैन है इनको इन्होंने बताया था, इसलिए इस जो चैन है इसका नाम क्लस्टर रखा गया है। इसी तरीके से इसको मेंशन किया गया है कि इसके क्या क्या इफ़ेक्टिव हो सकता है, एक ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन का एक जो तरीका है उससे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ग्रेपवाइन में कोई भी किसी से कह सकता है, कोई भी जो बातचीत है उसमें काफ़ी क्लियर रहेगा, बात में बातों के बीच में किसी भी तरीके के ये जो कह सकते हैं बैरियर नहीं रहेगा। क्योंकि ग्रेपवाइन में कोई भी किसी से कह सकता, अगर किसी तरह का कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बातचीत करके तुरंत उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब ग्रेपवाइन के क्या क्या इफ़ेक्टिव है या कह लो कि क्या क्या फीचर है वो देखो। ये जो चैनल है काफ़ी स्पीडी होता है, इससे क्या हो कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी स्पीडली रूप से पहुंचा सकते हैं। ओरल मीडियम होता है जिसमें आप क्या करते हैं मौखिक रूप से किसी भी इन्फॉर्मेशन को बता सकते हो। जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप बातचीत को बिना किसी रोक टोक या बिना किसी प्रॉब्लम के पहुँचा सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत ही उसको क्लियर कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो आप। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको बातचीत करना, आप तुरंत कह के तुरंत उसका रिप्लाई लेके अपने डिसीजन को क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ में ये आपका क्या करेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जो दूसरे पर्सन के साथ में काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा, जिससे क्या रहेगा आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हेल्दी बना रह सकता है। अब देखो कम्युनिकेशन का जो ये जो चैन है इसमें कई बार क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे किसी ने अगर कोई गलत बात कह दिया तो गलत बात जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल सकती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन, तो इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।
आई होप आपको वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा, कुछ बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो आपको इफेक्टिव लगे या आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले बिकॉज आने वाले वीडियोज़ में हम कम्युनिकेशन का तो करेंगे, साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। सो अगर वीडियोज़ अच्छी लगे या आपको कुछ भी समझ आया हो या आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।